बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ सऊदी डिश मजबूस लहम। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं पकाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, भगोना रख दिए। थोड़ा गर्म होने के बाद तेल डाल देना। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल देना लहम। इसमें डालना लहम। अब ये अच्छा तल लेना अपन इसको तेल में। चलिए अच्छा तल लेना। अच्छा हिलाना नहीं तो वो पकड़ लेता नीचे भगोने को। और हिलाना, थोड़ा इसका कलर बदलना। उसके बाद पानी डाल देना। थोड़ा सा पकने के बाद पानी डालना। पानी के बाद अब मसाले डालना है। ये काले नींबू है सऊदी के दो, ये सब मसाले डाल देना। धनिया, लौंग, पट्टा, दाल की चीज़ें हिलाना। लहसुन बड़े रहा तो एक, छोटे है तो दो डाली में। हरी मिर्चें, हरी दो लाल दो। थोड़ी प्याज डालना इसमें। अब अच्छा हिला के इसको एक घंटे के लिए छोड़ देना गलने के लिए। थोड़ा नमक डाल के एक घंटे के लिए छोड़ देना गलने के लिए। अब बाजू दूसरा भगोना चढ़ा दिए चूल्हे पे। अब इसमें तेल डालेंगे। इसके बाद प्याज को अच्छे तरीके से तल लेना थोड़ा ब्राउन हुए तक। प्याज अच्छे ब्राउन होने के बाद इसमें जो है चावल डाल देना। इसको अच्छा मिक्स करके उसमें थोड़ा पानी डालना। थोड़ा वो जो बाजू हम गोश्त गला के रखे थे उसका पानी रहता वो डालना, वो बता नहीं सके हम। अच्छा हिला के दम पे छोड़ देना। अभी इसमें थोड़े चार हरी मिर्ची डाले, वो नींबू, वही शेरवे का गिर गया इसमें, और नमक डाल दिए। अब अच्छा हिला के इसको दम पे छोड़ देना। लोग देखिए अच्छी तरीके से तैयार हो गए चावल। अभी अच्छा गल गया, इधर पक गया अभी। अब इसको हम सर्व करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएंगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए। मजबूस तैयार हो गया। हम इसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट्स, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।